तो ये खड़ी है अपनी अम्बाला, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मजा आता है। आज मैं जा रहा हूँ रामनगर, रामनगर दोस्त से मिलना है, उससे थोड़ा सा काम है। उसे क्या काम है मैं अभी बता नहीं सकता। हेलो गाइस, तो व्हाट्सअप तो कैसे हो, आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। रामनगर अपना थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस बंदे को फ़ोन दूंगा। और मैंने भाई को फ़ोन तो सुबह ही कर लिया था, सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे सुबह काम रहता है। गाइस सुबह क्या काम रहता है मैं बताता हूँ। काम ये रहता है कि मैं सुबह सुबह रामनगर मंडी जाता हूँ, सब्जी का काम है मेरा, सब्जी बेचता हूँ। तो गाइस मेरे को सुबह सुबह मंडी जाना पड़ता है, इस चक्कर में सुबह ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, आज बहुत लेट शूट कर रहा हूँ। गाइस आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि 3-4 बंदे थे, वो मेरे भाई के दोस्त थे जो मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। वो पता है क्या मेरे से मतलब बोलते फर्जी यूट्यूबर वाले, फर्जी यूट्यूबर यार जो भी हूँ मैं अपने लिए हूँ ना, तुम्हारे लिए थोड़ा जो भी करता हूँ मैं अपने दम पे करता हूँ। तो गाइस आज भी हम रामनगर मेन हाईवे से न जाकर अंदर से जाते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है, मैं जिस भैया का फ़ोन है मैं उसे वापस करने वाला हूँ और भैया का देखता हूँ रिएक्शन क्या होगा। मुझे फाइनली पता है भैया यार खुशी होंगे क्योंकि भाई साहब किसी का फ़ोन अगर वापस करो ऑब्वियसली वो खुशी रहता है। क्योंकि मैं मेरे को लग रहा था कि उस भैया का फ़ोन है तो उन्हें काम का होगा, तो भैया मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे भैया आप मेरा फ़ोन कब लौटाओगे। तो मैंने भैया से बोला कि मैं रामनगर जाऊंगा, उसके बाद मैं उनका फ़ोन वापस कर दूंगा, इसलिए पहले मैं अपना रामनगर का काम कंप्लीट करके आता हूं। तो गाइस अब रामनगर मेन हाईवे से जाकर अंदर से जा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे को छोटे भाई के स्कूल में थोड़ा काम है। ये आंटी थोड़ी लिफ्ट मांग रही है, बैठो आंटी। तो ये आंटी को थोड़ा लिफ्ट देते हैं, इन्हें थोड़ा सा काम है। आंटी कहाँ जाना है आपको? अच्छा भागवत में जाओगे, कहाँ जाना है पहले आपको? अच्छा तो आंटी की थोड़ी हेल्प ही हो गई। तो गाइस देख रहे हो बीच में ऐसे कोई बंदा अगर आपको मिलता है तो उसकी हेल्प कर दिया करो। तो गाइस मैं आपको आंटी को हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा, यहाँ पर गुमानपुर एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ उनको छोड़ना है। छोड़ने के बाद मैं अपना काम। तो गाइस देख रहे हो किसी की हेल्प करके सच में अच्छा लगता है यार। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आपसे हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प कर दिया करो, ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आप किसी हेल्प करोगे तो तब जाके कोई आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, तो नए गुमानपुर चौराहे आने वाला है, उसके बाद आंटी की डेस्टिनी आ जाएगी, यानी कि आंटी को जाना है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद बस इधर निकलता हूँ रामनगर। हॉस्पिटल में कोई काम नहीं था लेकिन आंटी मिल गई तो उन्हें छोड़ना भी ज़रूरी है। आपको कहाँ जाना है? मैं तो रामनगर जाऊँगा आंटी। हाँ हाँ मैंने कहा बस होकर निकल लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, गुमानपुर में ही है। हेलो आंटी, धन्यवाद। ओके तो गाइस मैंने आंटी को छोड़ दिया है यहाँ पर, तो पहले अब मैंने छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर से नहीं इधर से जाना था। तो गाइस मैंने फाइनली आंटी को छोड़ दिया, आंटी ने बोला बेटा धन्यवाद आपका, आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस पता है क्या, सबका आशीर्वाद देना चाहिए। वहाँ जो राइडर होते ना वो तो आपको हमेशा इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पता है ये बंदा राइड कर रहा है और इनको ये नहीं पता इनके साथ क्या हो जाए, पल भर में कुछ नहीं पता रहता। तो गाइस इधर मेरा पापा का काम था, वो काम नहीं, काम पे नहीं जा रहा मैं, तो अभी पहले रामनगर होके आता हूँ तो काम करके अपना। तो गाइस आज देख रहा हूँ आज बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए मिल रहा है, एक बंदा यहाँ पर आ रहा भाग गया हुआ, उसकी भी हेल्प कर देता हूँ मैं गाइड ही स्पीड में चला रहा था इसलिए वो बंदा पीछे रह गया। बैठो बैठो, आज लग रहा है हेल्प इंडिया एक बन जाएगा, सबकी मदद करो वाले। तो गाइस ये बंदा पता नहीं कहाँ जा, अभी छोड़ ही देता हूँ मैं। कहाँ जाना भाई, कहाँ छोड़ना है तेरे को? शिव मंदिर हेल्पिंग दे। मैं रामनगर जाते जाते पता नहीं कितनों की मदद करूँगा आज। यहाँ पर ही वेलकम सर। मैंने भाई को छोड़ दिया, पता नहीं कौन था, अननोन पर्सन, मैं तो ऐसे हेल्प करते रहता हूँ। अभी मिला बंदे को मैंने छोड़ दिया, पहले आंटी मिली अब मेरे को एक भाई मिल गया, इनकी कर दी मैंने। गाइस मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है, मेरा नेचर ऐसी है हेल्पिंग नेचर, और आप भी अगर किसी की मदद करोगे ना आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको सीधे रामनगर। तो गाइस थोड़ी सी रेसिंग कर लेता हूँ आज, मैं अकेली खाली रोड है, बिल्कुल साफ बिल्कुल सुन थी, तो मैं तेरा ये मेरी हीरो स्प्लेंडर प्लस है। तो गाइस इससे भी थोड़ा मज़ा आता राइड करने में। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं MT खरीद सकूँ। गाइस टेंशन मत लो, आपका आशीर्वाद रहा, आपकी दुआ है रही, तो मैं MT भी जल्दी खरीद लूँगा। गाइस देख रहे हो ये कितनी तेज़ भाग रही है, लिमिट 70-80 तो भाग ही रही, क्योंकि
ये हीरो स्प्लेंडर है, स्पोर्ट बाइक नहीं है मेरे पास, तो गाइस इसका बहुत सारा दुख होता है मेरे को, दिल से बुरा लगता है भाई। सीओ पुलिस वाले भी जा रहे हैं, तो गाइस तो पापा की परी रेस करने जा रहे हैं, नहीं रेस करेंगे नहीं। मैं सच्ची में एक्सीडेंट हो गया मेरा, मेरे बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया भाई साहब। हाथ पैरों में बहुत तेज लग गया यार, कम लगी है ना 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 सही है। गाइस काफी बैंड बच चुके हैं, मैंने यहाँ पे ब्रेकर नहीं देखा, ओ गाइस बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया मेरा। हैं पैर में लगे मेरे थोड़े, पूरी बाइक टूट चुकी है मेरी यार, मेरे को दिखा नहीं यार, मेरी गाड़ी पूरी तहस नहस हो चुकी है गाइस। सर कैसा लग रहा है आपको? अरे चोट खाने के बाद किसी को अच्छा लगता है ये बता तो पहले। नहीं नहीं तो टांडा में लगी इसके। तो टांडा लगी है बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हें तो क्या पता कोई वीडियो शूट करने जा रहा हूं, तुमने एक जीरो बढ़ा दिया इसमें। तो गाइस देख रहे हो आज बहुत तगड़ा एक्शन होता है, लगी अभी मैं अभी पट्टी वट्टी कर रहा हूँ, तो गाइस अपने ब्लॉग का गेम ही करता हूँ।